एंड वेलकम टू फ्लोरल टैरो रीडर। हाउ यू गाइस आर डूइंग? स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली रियली मींस अ लॉट। स्कॉर्पियो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप लिंक है नीचे, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके करवाओ पर्सनल रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग बाय द वे फ्री नहीं होती है, फ्री रीडिंग्स के लिए आप यूट्यूब देखो, पर्सनल रीडिंग इज स्ट्रिक्टली, क्योंकि उसमें एक फीस चार्ज करती हूँ बिकॉज एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। तो देखो व्हाट्सएप में आके मुझसे ये मत बोलो कि दीदी मेरी फ्री रीडिंग कर दो, ये वो, डोंट डू दैट, ठीक है? बिकॉज मैं नहीं ऐसे एंटरटेन करती। लेट्स चेक कि आपका सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियो। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग। टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, एंजल्स हैविंग एंसेस्टर्स। ओके, पेशेंस का कार्ड आया है स्कॉर्पियो। भाई फोकस क्यों नहीं हो रहा? यस, पेशेंस का कार्ड आया है स्कॉर्पियो विच इज द सेवन ऑफ रेनबो कार्ड। ओके, मुझे जितना स्ट्रांग लग रहा है स्कॉर्पियो, इफ यू आर अ वुमेन वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, यू कैन कंसीव दिस मंथ। स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कंसीव होने की, क्योंकि दिस लेडी इज प्रेग्नेंट। तो स्कॉर्पियो जो औरतें देख रही हैं, आप लोग कंसीव कर सकते हो सेप्टेम्बर मंथ में। Like there is a lot of high chance, divine blessings हैं आपके ऊपर। और जो husbands देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी wives conceive करें, तो आपकी wives conceive कर सकते। एक वीडियो में मैंने बोला था आदमी औरत भी प्रेगनेंट हो सकता है। अरे बेवकूफ़ लोगों, आदमी impregnate कर सकता है औरत को, ये एनर्जी मैं बोल रही थी पिछले वीडियोज में। तो congratulations if you are planning for a baby, it's a September will be a very पॉजिटिव मंथ फॉर यू। एंड पेशेंस का कार्ड है, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं आप लोग की लाइफ में स्कॉर्पियो, जितना मुझे दिख रहा है। जो डिले हो रही ना, उसका रिजल्ट आपको इस मंथ मिलेगा, पर थोड़ा आपको पेशेंस, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। उसका रिजल्ट, उसका आंसर आपको सेप्टेम्बर मंथ में मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो, और वो चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। लेट्स चेक सम अदर मैसेजेस फ्रॉम द एनिमल डेक विच इज़ द माई न्यू डेक, द कॉस्मिक क्रिएचर डेक। देखा, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेट्स चेक एनिमल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है। इट्स बहुत सुंदर डेक है, बहुत सुंदर डेक है, इट्स द बेस्ट ओरेकल डेक आई हैव हैड, एंड ये डेक भी बहुत अच्छी है, वो शो डेक। लेट्स चेक एनिमल मैसेज आपके लिए क्या आता है। सी हॉर्स, ओ माय गॉड, बताओ सी हॉर्स क्या होता है? सी हॉर्स का देखो सबसे बड़ा फीचर क्या होता है इसमें, ये सिर्फ ये दुनिया का इकलौता एनिमल है जो मेल, जो मेल सी हॉर्स होते हैं, दे ओनली कैन गेट प्रेग्नेंट। तो देखो स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी, जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी के चांसेस है, तो जो लोग प्रेगनेंट नहीं होना चाहती, चाहे औरत हो चाहे आदमी, जो प्रेगनेंसी है ये सब नहीं चाहते, प्लीज़ प्लीज़ प्रिकॉशंस यूज करें, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। सी हॉर्स की ना एक और एनर्जी होती है, जितना मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियो आप ये मत सोचो कि मैं आदमी हूं तो मैं ये काम क्यों करूं, या मैं औरत हूं तो मैं ये काम करूं। देर इज सम जेंडर नोशन इन्वॉल्व इन द सी हॉर्स, क्योंकि सी हॉर्स एक ऐसा ही एनिमल है जो फीमेल की ड्यूटीज करता है ओशन में। Yes. तो एक जेंडर रोल की एनर्जी आ रही है कि स्कॉर्पियो इस मंथ ये मत सोचो कि अरे ये तो आदमी का काम है मैं क्यों करूं, या आदमी ये ना सोचे अरे ये तो औरत का काम है मैं क्यों करूं। डोंट हैव दिस जेंडर नोशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन योर हेड। जो काम आपको मिल रहा है, चाहे वो लड़का करे लड़की करे, आज के टाइम पे वो चीज़ मैटर नहीं करती है। सो जो भी टास्क मिले आपको, उसको आप करो विदाउट द नोशन, विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर इन योर हेड। क्योंकि अगर आप वो चीज़ करोगे ना, तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। और आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम है, या गाड़ी चलाना सिर्फ आदमियों का काम है। डू एवरीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए स्कॉर्पियो। लेट्स चेक आपका कार्ड्स, देखो गिर रहे हैं आपके। बट सी हॉर्स कितना क्यूट लग रहा है, ओ माय गॉड। लेट्स चेक आपका जनरल एनर्जीज कैसी रहेंगी सितंबर मंथ में, एंजल्स हैविंग्स एंसेस्टर्स। ओके,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, पेयर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, ओके 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 ओके। देखो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके फाइनेंसेस बहुत इंक्रीज होने वाले हैं स्कॉर्पियो। सितंबर मंथ में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिजनेस, और मुझे पता नहीं क्यों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिख रही है स्कॉर्पियो सितंबर मंथ में। पैसे आपके बहुत बढ़ने वाले हैं, आपके फाइनेंसेस विल इंक्रीज अ लॉट इन सितंबर मंथ। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच मीन्स फैमिली रीयूनियन, आप लोग अपने एक्सटेंडेड फैमिली से मिल सकते हो, या फैमिली से आपका आपका जो कनेक्शन है वो और बढ़ेगा। और जितना मुझे लग रहा है फैमिली से आपको वेल्थ काफ़ी मिलने वाली है सितंबर मंथ में। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं स्कॉर्पियो दिस मंथ, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थ्री ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक एज वेल, मतलब कुछ ऐसा आपको धक्का मिल सकता है जिससे आपका मनोबल गिर सकता है, तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए आप बहुत स्ट्रांग रहो, पेशेंट रहो, और ये मंथ अच्छा रहेगा। बहुत फाइनेंशियल गेन्स बहुत होंगे, बट एक इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है मुझे इस मंथ में, सो उसमें आप वर्क ऑन करो। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका हार्ट ब्रेक हो, उससे स्ट्रांगली डील करो, अदरवाइज दिस मंथ विल बी वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू स्कॉर्पियो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मुझे ऐसा कार्ड दिख रहा है कि आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप जो आपको फाइनेंसेस है ना उसे आप डबल अप करने के लिए शायद आप स्टॉक्स में लगा सकते हो। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है दैट यू विल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, एक इन्वेस्टमेंट करने की भी एनर्जी बहुत आ रही है, सो वेरी गुड, यू शुड इन्वेस्ट इन सेप्टेम्बर। तो जो भी पैसे हैं आप उसको इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में लगाओ, किस में लगाओ वो मुझे नहीं पता, बट इन्वेस्टमेंट करो एंड फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे। सेकेंडली प्रेग्नेंट हो सकते हो, जो औरतें हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और जो आदमी है वो इम्प्रेग्नेट कर सकती हैं अपने लवर को या अपनी वाइफ को। ठीक है, लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय स्कॉर्पियो एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को, एक सेकेंड, लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। और ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू एंड लीव द रेस्ट, समझे, एंड एनर्जीज में भी वाइस वर्सा। लेट्स चेक, अट्रैक्शन, नाइस स्कॉर्पियो, गो आउटसाइड, ओ माय गॉड, टेक अ ब्रेक, ओके स्कॉर्पियो, अट्रैक्शन लेवल बहुत बढ़ेगा, अट्रैक्शन का कार्ड है, गो आउटसाइड भाई, जो सिंगल हैं भाई, जब तक बाहर नहीं जाओगे तब तक लव लाइफ कैसे आप लोग की होगी, तो गो आउटसाइड, टेक अ ब्रेक का कार्ड है। विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स आया था आपकी जनरल रीडिंग में, इसका हम खुलासा करेंगे बाद में, बट आई एम सीइंग दैट अट्रैक्शन लेवल आपका बहुत बढ़ेगा। और जो सिंगल देख रहे हैं प्लीज़ भाई बाहर जाओ, डेटिंग वेटिंग करो बाहर नहीं जाओगे और सिंगल का रोना करोगे, घर में थोड़ी ना आएगा आपके। लेट्स चेक टैरो से इसका पता लगाते हैं, इस कार्ड का क्यों मतलब क्या आया है, क्योंकि जनरल रीडिंग में थ्री ऑफ सोर्ड्स आया था, सो आई एम लिटिल वरीड अबाउट योर लव लाइफ राइट नाउ। लेट्स चेक एंजल्स, हाई बींग्स, एंसेस्टर्स, Scorpio's love life reading for the month of September. Okay. Three of Swords. Oh my God. 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 Bhai Sahab. भाई साहब, हे भगवान, फिर से थ्री ऑफ सोर्ड्स आ गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई तीसरा बंदा बंदी है आपके पार्टनर के लाइफ में। देखो मैं तो ऑनेस्ट हूं, तो जिसको सच का सामना नहीं करना है वो जाओ, ये वीडियो बंद कर दो। तो अगर आपको स्कॉर्पियो, अगर आपको शक हो रहा है, क्योंकि ये फिर से आ गया, क्योंकि मुझे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, बहुत टफ एनर्जी है स्कॉर्पियो। चलो, जो लोग ये सोच रहे हैं, जिनको शक है कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर चीट कर रहा है। यस, एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप तो सोचते हो ये तो धोखा दे रही है, दे रहा है, इस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं। You are very negative. You have lost all hopes in this relationship. Nothing. Tower.
वो तो ब्रेकअप करना चाहते हैं, वो तो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड दे डोंट वांट टू स्टे विथ यू. बट नाउ लिसन, देयर इज दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड. मुझे जितना लग रहा है कि ओके फॉर मैनी ऑफ यू स्कॉर्पियो, जिनकी जिनका पास्ट में ब्रेकअप हुआ था और अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सितंबर मंथ में आपकी किस्मत आप दोनों को फिर से मिलवाएगी. या तो वो टेक्स्ट करेंगे या तो आप टेक्स्ट करोगे, आपको आप लोग कहीं बाई चांस कहीं बाहर मिल लोगे. और मुझे जितना लग रहा है रिकिंडल होगा ये रिलेशनशिप. आप लोग की किस्मत साथ में मिली. आई एम सीइंग दैट इन सितंबर मंथ. मैं आपको सच सच ऑनेस्ट एडवाइस देती हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, फाइट्स हो रही हैं, बहुत फाइट्स हो रही हैं, दिख रहा है मुझे, एनर्जीज मुझे अच्छी नहीं आ रही हैं, बहुत फाइट्स हो रही हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, देन टेक अ ब्रेक. ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो आई एम लाइक जो मैं मुझे अननेसेसरी वो किया जाता है, ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. वो करो, ब्रेक लो इस रिलेशनशिप में, टेक अ ब्रेक स्ट्रांग. देखो अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, देन टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, प्लीज टेक अ ब्रेक. आई एम स्ट्रांगली सजेस्टिंग दैट, क्योंकि अगर आप ब्रेक लोगे तो मैंने यही कार्ड निकाला, अगर आप ब्रेक लोगे तो आप दोनों को टाइम एक अकेला में होने का एक वो मिलेगा कि वेदर यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर और नॉट. ठीक है, एंड यू नीड टू टेक अ एट ऑफ ऑर्डिनेंस विथ एट ऑफ वॉन्स, इज द सेम कार्ड. देखो ब्रेक लोगे ना तो आप लोगों को ना रियलाइज होगा एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, कि आप लोग एक दूसरे से यू आर मेंट टू बी टुगेदर. एंड ना मुझे जितना लग रहा है कि जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी है, बट आप इस थर्ड पार्टी से मत डरो. मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर देखो अगर आपके लाइफ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ये वीडियो आप लोग के लिए है ही नहीं, ये उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ जिनके रिलेशनशिप में बहुत रोना चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा कर चल रहा है. आई एम सीइंग आई एम ये ना मैं बहुत स्ट्रांग सजेशन दे रही हूँ, टेक अ ब्रेक. इफ़ यू विल टेक अ ब्रेक ना, ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है, आप वर्कआउट करोगे इस रिलेशनशिप में. जब आप एक ब्रेक लोगे ना, आपको आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होगी, आपको ना रियलाइज़ होगा कि मेरी कहाँ कहाँ गलती थी, और आप उस गलती में वर्क ऑन करने की कोशिश करोगे. प्लीज़ टेक अ ब्रेक इन दिस रिलेशनशिप, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट दैट. एनर्जीज अच्छी नहीं है, बहुत मतलब बहुत शक है, अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत है. आप दोनों तो देखो यू गाइज तो नहीं, बिल्कुल अच्छी एनर्जीज है ही नहीं, वो तो आपसे नफरत करते हैं इस टाइम पे. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बट आप लोग की किस्मत अलाइंड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है. तो देखो मैं बोल रही हूँ ना, ये रिलेशनशिप चल जाएगा क्योंकि फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है, बट यू नीड टू टेक अ ब्रेक. इस रिलेशनशिप में ब्रेक लो, भले एक हफ्ते दो हफ्ते मत बात करो, सोचो समझो कि इस रिलेशनशिप में क्या कमी है, कहाँ चीज़ें वर्कआउट करनी, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, डिसाइड एंड देन कम बैक टुगेदर. और ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी को या तो अपने पार्टनर को बोल दो, या तो तुम थर्ड पार्टी के पास चले जाओ. यू आर मोर देन वेलकम टू गो, ईदर यू कम एंड स्टे विथ मी. तो एक अल्टीमेटम देने की भी ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में. ठीक है स्कॉर्पियो, आई होप यू लाइक योर रीडिंग, सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.